मैंने सिलाई में 54 स्टिचेस डाले हैं और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे 4 लाइन की ये धारी आ गई है, सामने से भी और पीछे से भी 4-4 लाइन की धारी आ गई है। तो नाइन्थ रो में हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और 16 फंदा सीधा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 फंदा सीधा बुनने के बाद अब ऊन आगे करेंगे और 22 फंदा जाली देते हुए बनाएंगे, यानी प्रत्येक फंदे में हम जाली देंगे। ये हुआ एक, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दूसरी जाली, 22 22 फंदे में प्रत्येक फंदे में जाली दिया गया और बचे हुए 16 फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। इस समय हमारे सिलाई में 76 स्टिचेज हो गए हैं। 16-16 फंदे और 22 फंदे और 22 जाली, 16-16 और 44 यानी 76 स्टिचेज हो गए। और अब रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। और अब हम अपने मेन कलर से सभी फंदा सीधा बना लेंगे। इस जूती को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ये 4 लाइन कंप्लीट हो गया है और 5वें लाइन में हम काले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और फिर 4 लाइन अपने मेन कलर से हम प्लेन बनाएंगे, यानी 7th लाइन में सभी फंदे सीधे, 8th में उल्टे, 9th में फिर इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे और 10th में सभी फंदे उल्टे, यानी अपने पहले रंग के ऊन से 4 लाइन प्लेन बनाना है। तो 4 लाइन प्लेन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मेन कलर से 4 लाइन बनाने के बाद फिर अब दूसरे रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा और तीसरे फंदे को 4 लाइन तक उधेड़ेंगे और नीचे इसमें सिलाई डालेंगे और फंदा उठा लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3 और चौथे फंदे को 4 लाइन तक उधेड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। 3 फंदा सीधा, चौथे फंदे को 4 लाइन तक उधाड़ेंगे, फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर 3 फंदा सीधा,
चौथे फंदे को चार लाइन तक उधाड़ेंगे और नीचे फंदे में सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को चार लाइन तक उधाड़ के और नीचे से उठा के सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन बन जाने के बाद फिर मेन कलर से दो लाइन बनाएंगे और फिर दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाएंगे। दो लाइन मेन कलर से बनाने के बाद अब फिर दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा। आगे से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है और अब काले रंग का कोई काम नहीं है तो इसे काट लीजिए और बांध लें। और अब छप बीच बीच में इसे लपेटते जाएं। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, देखिए फ्रेंड्स, 26 फंदे सीधे बना लिए गए हैं। प्रत्येक फंदा को सीधा बुनना है और बुनने से पहले ऊन अपनी ओर कर लेंगे जिससे जाली बनता चला जाएगा। ऊन अपनी ओर किया और जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा, ऊन अपनी ओर किया और जाली देते हुए सीधा। देखिए फ्रेंड्स, 24 फंदे में प्रत्येक फंदे के आगे जाली देते हुए यहाँ 24 फंदे को जाली देते हुए सीधा बुना गया है, यानी सभी फंदे में जाली दिया गया है और लास्ट में 26 फंदा बचा। 26 फंदा हमने सीधा बुना है, फिर 24 फंदे को जाली देते हुए सीधा और लास्ट के 26 फंदे सीधे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस समय सिलाई पे 100 फंदे हो गए, 76 थे और 24 यहाँ पे जाली पड़ा है जिससे 24 फंदे बढ़ गए और टोटल हो गया 100। तो अब हम 50 फंदा उल्टा बनाएंगे। पहले हम दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे और उसके बाद 49 उल्टे फंदे। देखिए फ्रेंड्स, 50 फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं और इस साइड में 50 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इधर ना आके यहीं से वापस हो जाएंगे और इन्हें इधर से भी उल्टा बुनेंगे। अब हमें सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है, फ्रंट से भी और बैक पार्ट से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। दोनों साइड से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 6 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 7वां लाइन है। तो 7वें लाइन में दो फंदा एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा फंदा घटा लिया है और अब फिर शेष सभी फंदे आगे और पीछे से उल्टे ही बुनेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा घट गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये 13वीं लाइन है। ये 6 लाइन देखिए बन गया है उल्टे फंदों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी 12 लाइन कंप्लीट हो गया है और 13वीं लाइन है। तो इसमें दो फंदा हम एक साथ
उल्टा बुनेंगे, यानी यहाँ तीसरा फंदा घट गया। अब शेष सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तेरहवा लाइन कंप्लीट हो गया है और अब हम 14वें लाइन पे हैं, यानी रॉन्ग साइड से। तो अब यहाँ पे हम 5 फंदे घटा लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और अब शेष फंदे उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टे फंदों की 11 धारियां आ गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और हम ऐसे करके इसे फोल्ड करके देख लेंगे, ये दोनों सिरे बराबर होने चाहिए। और अब इसको हम रॉन्ग साइड से 10 फंदे घटा देंगे। और इस फंदे को वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। हमारा अब इधर का पोर्शन तैयार हो गया है और अब हमें सेम इधर भी बनाना होगा। अब हम यहाँ पे फंदे जोड़ लेंगे और सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। सारे फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं और अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ पे हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। 2 का 1 किया, शेष सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम रॉन्ग साइड में हैं और ये रॉन्ग साइड से देखिए 1, 2, 3, अब 4th लाइन बनने वाला है। तो अब इस लाइन में हमें फिर एक फंदा घटाना है, तो 2 फंदे को एक साथ लिया, एक उल्टा फंदा बनाया और फिर हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते रहेंगे। यहाँ पे पहले लाइन में हमने बनाया, फिर 2 लाइन बनने के बाद 4th लाइन में हमने एक फंदा घटाया है, एक पहली लाइन में और दूसरा 4th लाइन में, और फिर आगे पीछे से हम उल्टा उल्टा ही बुनते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 लाइन कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7वां लाइन बनने जा रहा है। तो अब इस लाइन में हम 5 फंदे घटा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और फिर सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। और अब ये रॉन्ग साइड से 7वां लाइन है, तो मतलब 7वें, ये उल्टे फंदों की 7वीं धारी है। तो इस समय हम यहाँ पे फिर एक फंदा घटाएंगे और फिर सारे फंदे उल्टे बुनते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से ये 10 लाइनें तैयार हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11वां लाइन है। तो अब इसमें हम 10 फंदा घटा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर इसको बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। हमारा ये जूता बनके तैयार है। अब हमें
इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ना होगा, तो रॉन्ग साइड से ऐसे कर लेंगे। जैसे कंधा जोड़ते हैं वैसे एक एक फंदा दोनों सिलाइयों से लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे, या फिर तीसरी सिलाई में दोनों में से एक एक फंदा लेके ऐसे उतारते जाएंगे। इस तरह करने से बहुत ही आसानी हो जाती है। एक एक फंदे दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और तीसरी सिलाई में ऐसे करते चले जाएंगे। सारे फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें तीसरी सिलाई में सारे फंदे कर लेंगे। क्योंकि हमारा ये सिलाई गले वाला है इसलिए अब हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम दो देखिए, अब दो दो फंदों का ऐसे बन गया है। दो दो फंदे एक साथ लेंगे, बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इस तरफ बहुत ही आसानी होती है, फंदा गिरने का भी डर नहीं होता है और टाइम भी कम लगता है। ऐसे ही करते हुए सारे फंदे उतार लिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जूता बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, यहाँ पे सिलाई करनी है और आगे की तरफ थोड़ी सी सिलाई करनी है। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जूता बनके तैयार है।